इतने सारे तो ओपनर्स हैं यार, एक्चुअली सारे ओपनर्स रन बनाए ना, लाइक बटलर हो गए, रॉय हो गए, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, रोहित हो गए, राहुल हो गए, वार्नर हो गए, आई मीन सब ओपनर्स रन बनाए यार, मतलब प्रथम निशंका नहीं बनाया, कैसे टीम पिक करोगे यार? यस यस, दैट इज द थिंग दैट वी आर डूइंग टूडे. हम क्या कर रहे हैं आज, हम अपनी एक फन फैंटेसी एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू इंडल्ज, एंड आई एम गोइंग टू मेक माई टीम ऑफ द टूर्नामेंट. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम मेरी टीम का कप्तान हो सकते हैं. ओके अभी क्यों बताऊं, पूरा बताऊंगा, टीम ढंग से बताऊंगा. और आज एक्चुअली वी हैव ऑल्सो एनिमेटेड 5 टॉप कैचेस फ्रॉम द टूर्नामेंट. वो कैचेस भी मैं आपको जरा दिखाता हूँ आज के आकाशवाणी में आने वाला है बहुत सारा मजा. म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स आकाशवाणी. म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है. और आई टेल यू व्हाट, दिस इज द लास्ट वन. देख लो, ध्यान से देख लो इस पूरे सराउंडिंग्स को. यहाँ पे एक लैंप होता है, यहाँ पे बैठा होता हूँ हमेशा, ऐसा सा कोई सोफा होता है, दैट्स अबाउट इट. घर जा रहा हूँ बाबा, 2 महीने से ऊपर का समय हो गया, घर पे जाना जरूरी है, परिवार भैया, आई एम मिसिंग देम बैडली बैडली मैडली. तो अब मैं आपको एक्चुअली आई एम गोइंग टू पिक माय टीम. तो वो टीम क्या मैं बना रहा हूँ, टीम बना रहा है. देखिए सबसे पहले तो मैंने पिक किया बटलर को, जॉस बटलर इज इन माय साइड. ओपनर्स की बहुत लड़ाई थी किसको पिक करें, बाबर रिजवान के दोनों को पिक कर ले, फिर वार्नर कहाँ जाएंगे, बटलर कहाँ खेलेंगे, रोहित राहुल ने भी तो अच्छा किया है, आई हैव पिक जॉस बटलर. जॉस बटलर के आंकड़े देख लीजिए आप, 269 रन है, 90 के करीब का औसत है और 151 का स्ट्राइक रेट है. और मेरे विचार में जो इस सीजन की, इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन, जो सबसे बेहतरीन पारी खेली गई है ना, वो इन्होंने खेली. इन्होंने शतक जड़ा था शारजा के मैदान पर, आई थॉट दैट वॉज सेंसेशनल. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड चैंपियंस, न्यू वर्ल्ड चैंपियंस, उनके खिलाफ जो दुबई में पिटाई की थी ना, धागा खोल दिया था भैया. जॉस बटलर मेरे विचार में ही इज परहैप्स द बेस्ट वाइट बॉल T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और मेरी टीम का वो हिस्सा है. अब इनका साथ कौन देगा, दैट इज वेर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. क्योंकि ना मैंने बाबर को पिक किया, ना मैंने अभी रिजवान को पिक किया, बट आई एम गोइंग टू पिक डेविड वार्नर. डेविड वार्नर मेरी टीम में है बतौर ओपनर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ऑफिशियली अपॉइंट, मतलब दिए गए, अवॉर्डेड हुए, मेरी टीम में होना ही पड़ेगा क्योंकि 290 करीब रन बनाए, 48 का स्ट्राइक एवरेज है और 146 का स्ट्राइक रेट. दैट इज वेर आई थिंक बाबर एंड रिजवान आर मिसिंग आउट ऑन, क्योंकि उन दोनों के पास रन तो है और बहुत रन है, पर स्ट्राइक रेट बहुत ओके है यार, 130 से नीचे के स्ट्राइक रेट पे भागे हैं. दैट इज नॉट हाउ यू प्ले T20 क्रिकेट, राइट. एंड डेफिनेटली एक और चीज रहती है कि जो दूसरा वाला ग्रुप वन था ना, उसमें थोड़े ज्यादा खिलाड़ी पिक होने वाले, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी उस ग्रुप में ज्यादा बेहतर थी. हमारे वाले में इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बाद क्या था, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नामीबिया, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो आई गॉट वार्नर, एंड वार्नर इज ब्रिलियंट, T20 क्रिकेट का रॉक स्टार है. नॉकआउट मुकाबलों में इस अंदाज से खेलने वाले बहुत कम खिलाड़ी होते हैं. और ऐसा नहीं, उन्होंने 4 अच्छी पारियां खेली हैं भाई, सेमीफाइनल, फाइनल, एक वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मस्ट विन गेम था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उससे पहले एक और, तो डेविड वार्नर विदाउट डाउट. नंबर 3 पे मैंने एक्चुअली बाबर आजम को, एंड बाबर आजम इज द कैप्टन ऑफ माई साइड. अनफॉर्चुनेटली माइट जस्ट बी दी ओनली पाकिस्तानी माई साइड, पर हालांकि टीम सेमीफाइनल में पहुंची इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी थी टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है, पर आई कांट पिक मोर. बाबर आजम इज देयर, इज माय कैप्टन. यहाँ रिजवान भी आ सकते थे, पर यू नो वो बाबर को मैं अंक दे रहा हूँ उनकी कप्तानी के लिए, कप्तानी उन्होंने बहुत अच्छे से किया. और 3 नंबर मुझे लगता है रिजवान से बेहतर चॉइस जो है वो बाबर आजम होंगे, हालांकि मतलब 3 पे नहीं खेलते हैं, बट देन आई कांट मेक एवरीवन ओपन, दिस इज हाउ इट इज. 303 रन, 660 का औसत है और 126 का स्ट्राइक रेट है. स्ट्राइक रेट इज दी ओनली थिंग जो उनके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, और ये सेमीफाइनल मैच में भी हुआ. अगर वो पहले हाफ के अंदर जो पहले 10 ओवर थे अगर ये खुलकर खेलते, हो सकता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा होता, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, राइट. श्रीलंका इज इन माय साइड, 231 रन बनाया, 46 का औसत और 147 का स्ट्राइक रेट. सी दैट इज द पॉइंट, मेरा स्ट्राइक रेट सबके हमने ना मतलब रॉकेट स्ट्राइक रेट के साथ रखा है. और खिलाड़ी ना ये भी श्रीलंका मुझे तो बहुत पसंद है, आई मीन आई लव हिम टू बिट्स. जिस तरीके की इन्होंने बैटिंग किया ना, ही इज द फ्यूचर ऑफ श्रीलंका एंड ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अच्छी टीमों के खिलाफ ठीक ठाक तड़ी दिया इन्होंने, और पेस करा लो, स्पिन करा लो, शारजा खिला लो, दुबई खिला लो, कहीं पे भी खिला लो, ही इज गुड यार. तो मुझे तो भाई बहुत पसंद आया, और सब तरीके से शॉट मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं, ही इज बीन वेरी वेरी गुड मेरी टीम में. उसके बाद मैंने पिक किया मार्करम. 4 मैच जीती थी साउथ अफ्रीका, उतनी जीती जितनी इंग्लैंड जीती थी, और मार्करम का प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग रहा है. और नई गेंद से गेंदबाजी करके उन्होंने कुछ ओवर्स दिए हैं, जबरदस्त गन फील्डर है, डाइव मार के पराक्रम देखा था ना. और रन जो इन्होंने बनाया वो है 54 का औसत और 146 का स्ट्राइक रेट. नए रोल में खेल रहे हैं, नई भूमिका में भी ये भूमिका नहीं बांध रहे हैं, ये अच्छी कहानी लिख रहे हैं, इज बीन वेरी वेरी गुड. फिर मैंने पिक किया मोइन अली को, जो आई पर्सनली फील इनको बैटिंग भी ज्यादा मिल सकती थी, इनको बोलिंग भी ज्यादा मिल सकती थी. 92 इन्होंने रन बनाया, टोटल 46 के औसत है, 131 का स्ट्राइक रेट, विच इंक्लूड्स अ हाफ सेंचुरी इन द लास्ट गेम, सेमीफाइनल में.
और बोलिंग के अंदर इन्होंने 5.5 5.5 रन की औसत से इन्होंने 7 विकेट भी चटका दिए। आई थिंक इज बीन अंडर यूटिलाइज और मेरे विचार में तो इस मैं इनका नाम पक्का रखूंगा। और जो नाम मेरे जहन में आ रहे थे वो ये थे कि क्या मैं मिचेल मार्श को रख सकता हूँ, क्या मार्कस स्टोइनिस को रख सकता हूँ या जिमी नीशम को रख सकता हूँ। मैंने भाई मोइन अली को रखा है, मेरे विचार में ये मेरी टीम में होने चाहिए। डेविड वीजा को पिक किया मैंने इसके बाद यार। डेविड वीजा को देखिए मैंने बहुत सारे बोलिंग के विकल्प हो गए, मार्कम की ऑफस्पिन, मोइन अली की प्रॉपर ऑफस्पिन, डेविड वीजा के रूप में इज बीन वेरी गुड यार। छोटी टीम से खेलते हैं, नामीबिया से आप खेल रहे हैं तो बड़ी बड़ी टीमों के साथ आप टक्कर ले रहे हैं, पर अच्छा कि इन्होंने 7 विकेट चटकाए, 6 विकेट एट 7.4 का इकोनॉमी, दैट इंक्लूड्स प्लेइंग अगेंस्ट टीम लाइक इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, और 45 के औसत से 227 रन बनाए। हार नहीं मानी इन्होंने, लड़ते रहते थे हमेशा, तो डेविड वीजा विद द एक्सपीरियंस दैट ही हैज आई हैव गॉट हिम इन माय साइड फॉर द टूर्नामेंट, वेल डन द ओनली एसोसिएट नेशन का प्लेयर इज देयर। स्पिन में आई हैव पिक्ड जैम्पा। जैम्पा की क्वालिटी जो देखिए ना कि जिस गति से गेंद डालते हैं, जिस तरीके से लेफ्ट और राइट गेंद को हवा में थोड़ा सा घुमाते हैं, लहराते हैं, आई थिंक इज बीन वेरी गुड। 13 विकेट उनके पास है, 5.8 का इकोनॉमी है, 6 से कम का इकोनॉमी ऑन सर्फेसेस जहां पे फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर से ज्यादा विकेट लिए, और बहुत जगह तो ड्यू भी आई है, और उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ट्रेंट बोल्ट इज मैं नेक्स्ट का है, 13 विकेट है, 6.3 का इकोनॉमी, और इन्होंने अच्छी चीज क्या की, इन्होंने डेथ में बोलिंग किया, इन्होंने मिडल ओवर में किया, इन्होंने नई गेंद से भी किया, नई गेंद से विकेट चटकाए हैं, डेथ में इज बीन इकोनॉमिकल। और हर प्लेयर के सामने आप देखोगे कि हर बार इनके पास कोई अलग प्लान था। फिंच को बाउंसर मारी, उसके बाद भारत के खिलाफ आया तो वो ईशान को ऊपर डाली, आई मीन इज गॉट अ प्लान फॉर एवरी वन, ऐसा कोई नहीं जिनके सामने ये मतलब बिना प्लान के साथ जाते हैं। वार्नर को एकदम क्रैम किया रूम के लिए, इज बीन वेरी वेरी गुड। सो ट्रेंट बोल्ट आई थिंक इज करियर ग्राफ इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और जॉश हेजल इज इन माय साइड, 11 विकेट है उनके खाते में, 7.3 का इकोनॉमी है। और इन्होंने एक और चीज बताई, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सिर्फ जो कहते हैं लाइन एंड लेंथ एंड टेस्ट मैच बोलिंग उससे भी सफलता मिल सकती है। हो सकता है कभी कभी पिटाई पड़े पर सफलता मिलती है। इन्होंने एक नया टेम्पलेट दिया हमें T20 क्रिकेट में बोलिंग का, डेथ में नहीं डालते, कप्तान ने इनका इस्तेमाल अच्छे से किया, पर इज बीन वेरी गुड। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑनिक नॉकिया, मेरी टीम ऑनिक नॉकिया है, 9 विकेट 5.4 का इकोनॉमी है, तेज है, स्टंप्स के पास से डालते हैं, 3 स्टंप्स के बीच में रखते हैं, आप उनको रूम नहीं देते, वो कटर पुल नहीं खाते हाथ से, और अगर आपने बीच में क्रॉस मारी डंडे पे मारते हैं, लेग फोर करते हैं, तो ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, ही इज आल्सो इन माय साइड। अब जो ऑनरेबल मेंशन है वो बुमरा मिस आउट कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी। सी अगर आपको मैजिक चाहिए ना, मैजिक, तो मैजिक के लिए आप शाहीन के पास जा सकते हैं, मैजिक के लिए आप बुमराह के पास जा सकते हैं, पर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो विकेट देखें ना, और इंपॉर्टेंट मैचेस में पूरा स्पेल वाइज विकेट देखें, आई कांट पिक आई तरफ थेम। राहुल रोहित सेम स्टोरी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाले मुकाबले अच्छे नहीं रहे, तो उसके बाद जो रन बनाए तो मतलब रन्स हैं, पर जब टीमों का टूर्नामेंट आप चुनेंगे तो शायद उनमें नाम ना हो, एक्चुअली एक भी भारतीय का नाम नहीं है, दिल दुखता है यार, एक भी भारतीय का नाम नहीं है इस टीम के अंदर, बट नहीं है, क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। कुछ और मतलब जिमी नीशम, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, इन सबके नाम भी नहीं है, बट या दैट्स व्हाट इट इज। हसरंगा अनदर नेम दैट्स मिसिंग, बट क्या किया जा सकता है, सब तो पिक नहीं हो सकते ना, तो आज के लिए इतना ही है, और जाते जाते वो देख लो अच्छे से कैचेस हैं, जस्ट हैव अ लुक एट देम, एंड कल फिर मिलेंगे, कल कुछ और बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, लाइक करना, शेयर करना, प्रोफाइल ओपन करना, कमेंट सेक्शन में भर देना, अभी के लिए इतना ही। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस #, आकाशवाणी, और जो हमारे बाबर आजम हो जाए, चाहे वो पॉट बटलर हो जाए, सबने यही बताया, म्यूचुअल फंड या क्रिकेट के पीछे लंबे समय तक सही टिके रहना ही सही है। प्रोफेसर हफीज कदमों का इस्तेमाल, हवाई फायर, शारजा का छोटा मैदान, अरे बाबा, डेवन कॉनवे, ये मैदान फायर रनवे, और उड़ते हुए नजर आए कॉनवे, हील गो अ लॉन्ग वे, देखिए जरा कैच दोबारा, अद्भुत कैच, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अप्रत्याशित। क्रिस जॉर्डन सामने स्टीव स्मिथ, दिया कनेक्ट नहीं हुई है, अच्छी गेंद, पीछे की तरफ भागे क्रिस वोक्स, क्या बात है, क्रिस की गेंद, क्रिस का कैच, बीच में आ गए स्टीव स्मिथ, ये सबसे मुश्किल कैच होता है, कैच पकड़ा है, ये पेड़ से आम तोड़ा है, मजा आ गया, क्रिस साहब अपने लिए जगह बनाई, हवा में शॉट मारा है, शार जगह, छोटा सा मैदान, पीछे नीचे जॉनी बेस्टो पास किया है सैम बिलिंग्स को, दूसरे कोण से भी देखना चाहिए, अरे क्या बात है, साथ ही हाथ बटाना साथ ही रे, एक अकेला थक जाएगा, इनक्रेडिबल, व्हाट अ गेम चेंजिंग मोमेंट, एथलेटिसिज्म, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कमिटमेंट, सब कुछ है, ब्रिलियंट।
ऑनरिक नोकिया, सामने स्टीव स्मिथ, ये शॉट हवा में, अरे मार्क्रम का पराक्रम देखो भाई साहब, नोकिया ने यहाँ यस किया। दोबारा देखिए शॉट इतना खराब नहीं था, नो मैन्स लैंड में लैंड कर गए जनाब मार्क्रम, वाह। अकील हुसैन, अरे भाई साहब एक हुसैन बोल्ट था जो हवा से बातें करता था, ये हुसैन है जो उड़ना जानता है। दोबारा देखिए इनक्रेडिबल कैचेस की सूची में इसको शामिल कीजिए, व्हाट अ कैच, टेक अ बाउ। बल्लेबाज तैयार, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल और फिर बल्लेबाज माला माल, वो गेंद को तारे में गया है तब्दील। बल्लेबाज को देखिए, होल्ड द पोज, रिमेम्बर द नेम, क्या बात है।